सारी दिक्कत, जैसे लाइट की थी कहने, मतलब जो भी सारी समस्याएं थी जो दलाली वाली थी, यहाँ नहीं। आप थाने पे देख लीजिए, कोई दंगा या फसाद होता था तो पहले यहाँ के, यानी कि जो सपा के जो भी मुखिया होते थे, वो बैठकर वहीं पे सारी सिस्टम करवा देते थे। यानी गरीब जब तक पहुँचता था तब तक उसके ऊपर मुकदमे लिखे होते थे। अब ये है कि कोई भी, यानी 102 पे या 112 पे कॉल करो, आपका भी जितना, इसमें ये नहीं है कि बड़े हैं या छोटे हैं, सब एक समान है। गल्ला भी देखिए, जिसका होता था, माननीय प्रधान जी होते थे या जिनको कहते थे, उनके यहाँ 10 लीटर मिट्टी का तेल पहुँच जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं, आप कोटेदार के ऊपर कार्रवाई कीजिए, आप वहाँ से शिकायत कीजिए, उसका भी समाधान स्वयं जनता कर रही है। कहने मतलब यहाँ किसी की अब नहीं चल रही है, माननीय योगी जी की वजह से। अच्छा, पहले किसकी चलती थी? पहले तो वहाँ पे यानी कि दलाल होते थे, यहाँ के ठेकेदार वहाँ के थाने के दूसरे ठेकेदार होते थे, कोटे के दूसरे ठेकेदार होते थे। अब ये सारी ठेकेदारी कहने मतलब समाप्त हो गई। और गांव के क्या मुद्दे हैं, आप लोग क्या करते, क्या नाम भेजा आपका? शीतला प्रसाद। शीतला जी, घर में कौन कौन है आपकी? अरे दो लड़के हैं, हम हैं, मेहराबू है, पतवा है, हाँ, नाम। लड़के क्या करते हैं? लड़के बम्बई है। बम्बई, बम्बई में क्या करते हैं? अरे मजदूरी मेहनत कर रहे, खेती पाती नहीं है तो और क्या करें, खेती नहीं है। अरे दो चार बीघा है, वो से 10 परिवार में कहीं से पूर हुई। मजदूरी करते हैं? अब मजदूरी करते हैं, कोनो सर्विस कुछ हो रहा है। यहाँ इतने बड़े बड़े नेता हुए, होंडा हुआ है, इस तरफ कोई इंडस्ट्री या उस तरह कुछ काम नहीं हुआ, इससे रोजगार बने, यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ा। सही, ये सही है। लेकिन सर ये भी तो सही है, लेकिन इतनी जल्दी, जैसे अभी तक आज सपा भी बता रही है कि हम इतने रोजगार देंगे आपको, लाइट के 300 यूनिट फ्री देंगे। इसके पहले जैसे 17 के पहले सपा ही हमारे यहाँ तो सरकार थी, तब इनको नहीं दिखाई पड़ा था कि हमें ये चाहिए, रोजगार चाहिए, ने बच्चों को कहीं ना कहीं। इसके पहले सभी लोग क्या, हम लोग रोजगार यानी कि नौकरी तो कर ही नहीं रहे थे, कि 17 के बाद में जब योगी जी आए तो हम लोगों को बेरोजगार कर दिए। मान लीजिए जैसे 3 साल महामारी ले गई, 2 साल 3 साल बचे, फिर भी जो वैकेंसियाँ निकली वो संभवता पूर्ण हुई, कहने मतलब बिना पैसे के हुई। ये भी सत्यता है कि हमारे गांव में भी 2-4 बच्चों को यानी कि शिक्षक या टीचर्स हुए हैं, एक पैसे घुस नहीं लगे। इसके पहले ये होता था 10 लाख दीजिए तब आपको नौकरी मिलती है, ये समाप्त हुई। हाँ रही बात, इतनी नौकरियाँ नहीं मिली, ये सरकार की थोड़ी हल्की सी कमियाँ हैं जो रोजगार में थोड़ी गई, लेकिन और सारी चीज़ें जो भ्रष्टाचार थे जिसमें, इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाम लग चुका है। सांसद कैसे हैं आपके, ब्रजभूषण शरण सिंह? ब्रजभूषण नहीं, यहाँ के राजा भैया हैं, कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह कैसे? ये भी सही है, कहने मतलब हमारे सबसे अच्छे जो इम्पोर्टेंट है वो योगी जी के, बाकी विधायक का नाम क्या है? विधायक विनय कुमार द्विवेदी। विनय कुमार द्विवेदी फिर से लड़ रहा है इस बार चुनाव? जी जी। फिर कैसा काम रहा उनका विधायक का? ठीक, काम ठीक है। क्या कराया उन्होंने, क्या काम ठीक है, क्या काम कराया? अब जो उन काम आवा तो उन कहीं क्या, जैसे बताइए गांव क्षेत्र के लिए, सड़कें तो ठीक दिख नहीं रही हमको जिससे आए। हाँ सड़क उड़क ठीक है, अब एक सड़क की आई आ रहा क्यों कहीं ना। हाँ सही सड़क है, जहाँ बनवाए तहाँ बनवाई, जहाँ बनवाए। अच्छा ये इसके जरूरी नहीं था यहाँ पर, जरूरी कहे नहीं है, यहाँ जरूरी है, लेकिन तो 5 साल में क्या किया विधायक जी ने, आप बताइए भाई द्विवेदी जी। भैया जैसे आपने यहाँ अपने केवल ग्राम सभा को छोड़ के आप आगे निकल के जाइए, यही अब जो है ये माननीय विधायक जी की ही देन है। आप थोड़ा सड़क से चल गए तो ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ से जैसे आप आगे निकलेंगे 400 मीटर पे वो शाहपुर अमराडीहा के लिए कोई एक रास्ता नहीं था, इतने यानी कि गांठ में लोग जाते थे, वहाँ पानी भर जाता था बारिश के समय पे, वो विधायक जी की ही देन है। आगे आप नहर से निकलेंगे वो भी माननीय विधायक जी की ही देन है। लगभग में आप इधर चलेंगे, अभी आप ये इस रोड की मरम्मत है, अभी यानी कि पेंटिंग हुआ था बीच में, तो पेंटिंग जानते हैं किस तरह से होता है, माननीय चाहे जिसका हो, लेकिन पेंटिंग के माध्यम से जो हुआ वो फिर उजड़ गया। बढ़िया रोड है, बच्चे जो है गद्दे से गिर जाते हैं उसके। 12-12, 14-14 गाड़ी गन्ना टाला लाद रात दिन चलत है तो सड़क दुखी। किसानों गलती है कि वो सब जो उसके गन्ना लेके जाते हैं, गन्ना ले जाए तो कहाँ जाए, आप ही कह रहे हैं चलती है इसलिए। हाँ सही है भैया, लेकिन कहने मतलब और भी तो कभी समय था, जैसे आज तो माननीय विधायक जी हमारे 5 साल हुआ, 17 में ही आए ना, तो इसके पहले थे, लेकिन 17 के पहले भी तो कई से विधायक थे हमारे, माननीय नंदिता शुक्ला जी विधायक थी, उनके घर पे जाओ तो इतना यानी कि मोटरसाइकिल धस जाती थी भैया, तो जब वो स्वयं अपने घर पे नहीं बनवा पाते तो हमारे ग्राम सभा गंगोरिया की बात। अभी तो हार गए हो, अभी तो हार गए जी, इसीलिए आए जी द्विवेदी जी।
जी रोड तो नहीं किया, नहीं किए बहुत कुछ किए, बताएं कितने निर्माण किए थे। देखिए आप रोड के, आप या यहाँ पे आगे चलेंगे कांटे दिखलौल के पास में, ये भी रोड आप देख लीजिए वहाँ तक निकल गए, वो भी कोई अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ ये बताइए, जैसे ये रोड है इसकी हम भी सुन रहे हैं कि इसको यानी कि ये सिक्स यानी कि जो है 2 मीटर है, इसको यानी कि बढ़ के बता रहे हैं कि ये मील बंद होने के बाद में इसके यानी कि चौड़ाई में होगी, हाँ इसीलिए रुका हुआ है। कहें हम लोग बताए थे तो बता रहे हैं, कैसे क्या है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहे थे यानी कि चौड़ा होने वाला है, तो दोबारा यानी इसका होगा। विधायक जी काम कैसे रहा है? बढ़िया रहा। क्या बढ़िया रहा? सब कुछ बढ़िया। बताइए क्या बढ़िया? अरे गल्ला पानी सबका मिले, सब बराबर गल्ला पानी मिलता है, दो बार सबको गल्ला पानी मिल रहा है। यही है गांव की, गल्ला मिले गल्ला। भैया एक मूलभूत आवश्यकता व्यक्ति को क्या होती है? मकान, उसके बाद में कपड़ा, उसके बाद भोजन। वो माननीय योगी जी दे रहे हैं, एक व्यक्ति को 5 किलो यानी कि 10 किलो इस समय ये मिल रहा है, उसके बाद 6,000 वो दे रहे हैं, 60+ यानी कि जिनको पेंशन दे रहे हैं, ये हो गया मूलभूत कपड़ा। और आज के इस समय बता रहे हैं कोई ऐसा घर नहीं जो किसी छप्पर में रहता हो, पूरे ग्राम सभा में घूम लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो छप्पर में रह रहा हो, सबके पास मकान है। तो और व्यक्ति को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, वो तीनों मिल रहे हैं। रोजगार बताने, रोजगार के बारे बताने, जैसे 4 लाख माननीय अखिलेश जी ने 1 लाख कुछ सिपाही की भर्ती की थी पूरे कार्यकाल में, वो भी आप देखते हैं किस किस तरह से की थी, जात पक्ष लेकर की थी, वो तो सबको पता है। इसके बाद में जो है 1,20,000 भर्ती माननीय मायावती जी के सरकार में होते, 4 लाख रोजगार इसमें हुआ, वो भी इन महामारी को देखते हुए। हाँ जो बताने सही है कि कुछ लगाम अभी रोजगार, शिक्षक वैकेंसी में मात्र 1.5 लाख बची है। तो आप बताइए, लोग कहते हैं रोजगार सभी को सहायक अध्यापक बना दिया जाए, कैसे सरकार कैसे सहायक अध्यापक बना देगी? मात्र 1,30,000 वैकेंसी सहायक अध्यापक की पड़ी है। गाड़ी जा रही कांग्रेस की, कुतुबुद्दीन खान जी, डायमंड क्या है? डायमंड हम ये कहते हैं कि सरकार वोट सबसे लेती है, हर व्यक्ति हर धर्म से जात से लेती है, तो नौकरी क्यों छाड़ करके देती है, सबको समान में देखे, यही होना चाहिए ना। तो वोट तो ले लेते हैं हर जात और धर्म से, और नौकरी देना होता है तो जात पक्ष कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कौन करता है? कोई भी सरकार हो, क्यों ऐसा करते हैं? बीजेपी एक ऐसा सरकार है जो सबको समान देख रही है, हाँ सबको एक समान देख रही है। राशन का जो समस्या है, वो राशन भी बराबर सबको मिल रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि हम भी सहायक अध्यापक हो जाएं। सहायक अध्यापक कैसे होंगे? 1,30,000 वैकेंसी केवल बची है पूरे यूपी में, जिसमें प्राइवेट पहले जो होता था, जब सरकारी संस्था से जाते थे तब वैकेंसी खाली रहती थी, उतने पढ़ते थे, अब सभी बच्चे प्राइवेट करके बीएड बीटीसी कर लेते हैं। अब एक ग्राम सभा में पता कर लीजिए, हो सकता है पूरे जिले में 1 लाख बच्चे का बीएड खड़े यानी कि पूरा हो चुका उनका, अब कितना यानी कि कहाँ से गवर्नमेंट कर देगी? तो बेरोजगार होंगे या तो दूसरे यानी कि अब इतनी कहाँ से है कि जब सभी को अध्यापक बना दिया जाएगा। सरकार का काम ये नहीं कि और कोर्सेस चलाए और लोगों को जागरूक करे, बना तो रही है, बीएड बीटीसी मत करो और काम करो पढ़ाई के लिए। तो बहुत सी सारी चीज़ें देखिए, अभी आप गोरखपुर में सुने हैं बाबा जी ने सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, कोई चीज़ें इतने गोरखपुर से गोंडा का विकास कहाँ होगा? जैसे एक ही साथ में तो सारी चीजें हो नहीं सकती। अभी तक जैसे आप बताए एक ग्राम सभा के बाद आप इस रोड को देखे हैं, आगे चलेंगे तो बहुत रोड बनेगा, तो क्या एक ही 3 साल में? आप ही को पता होगा इस महामारी में, अगली महामारी जब आई थी, हम तो नहीं थे उस समय, लेकिन बाबा दादा हमारे बता रहे हैं, उससे ज्यादा महामारी से ज्यादा केवल भूखों मरे थे। लेकिन कोई इस महामारी में नहीं बता सकता है कि हम राशन के बगैर मर गए, कोई ऐसा परिवार नहीं बता सकता कि हमारे घर पे शाम को चूल्हा नहीं जला। राशन एक बड़ा मुद्दा है, राशन मिला इसलिए लोग वोट देंगे। तमाम सारी चीज़ें मिल रही हैं, तमाम मतलब जैसे भाई जी, मेरा नाम त्रिलोचन द्विवेदी है। गवर्नमेंट से हमें तमाम सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें इतनी गुणवत्ता देने के बावजूद भी शिक्षक लोग बराबर काम नहीं करते, पता नहीं क्यों। तमाम प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा किया, ऐसी बात नहीं, टाइल्स लगवा दिया, हर सोमवार को जो रहता है वो सब मिलता है। और कुछ छुट्टे इनको क्या आराम, जानवर जो छुट्टे हैं इनके लिए समस्या पड़ती है, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये जो ग्राम स्तर पर या पंचायत स्तर पर खोले जा रहे हैं क्या नाम ये गौशाला, इनमें वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं,
जहाँ भी आप देखिए, मतलब ये पशुओं वाली। अब इसके लिए यहाँ के कर्मचारी या अधिकारी जवाबदार है, लेकिन हम तो सीएम साहब को ही कहेंगे भाई इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। मैं मान रहा हूँ कि चलिए दो सालों में कोरोना की वजह से तमाम सारे काम नहीं हो पाए, फिर भी उम्मीदें हैं कि आने वाले गवर्नमेंट में अच्छा होगा, ऐसी तमाम उम्मीदें हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ गौशाला नहीं है, नहीं है यहाँ पे, यानी क्या व्यवस्था है वहाँ? अभी ये नए नए हमारे प्रधान जी बनवाए हैं, अभी निर्माण ही हो रहा है। एक बगल में शाहपुर है, उसके बाद में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दो यानी समदा माफी में एक गौशाला है, यानी कि वहाँ बड़ा बना हुआ कंप्लीट हुआ है, ये नया अभी निर्माण हो रहा है। गौशालाओं में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नहीं हो रही है? अगर ऐसी होती गौशाला, मतलब लेकर जाओ अगर यहाँ से, तो कोई रखने के लिए राजी नहीं हो रहा है। आसपास के तमाम सारे गांव वाले इसी वजह से परेशान हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यही है, छोटे जानवर वाली, जिसके ऊपर गवर्नमेंट शायद काम नहीं कर पाई कोरोना की वजह से। विधायक के पास नहीं गए? विधायक के पास जाओ, किसी के पास, हर कोई मतलब बस अपने से पल्ले झाड़ता है जहाँ भी आप जाइए। ये सब बातें हैं, और तमाम सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं गवर्नमेंट में, और हम सभी को आशा है कि और टाइम में अच्छा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, सबसे अधिक बड़ी समस्या छुट्टा जानवर वाली है। किससे उम्मीद है, कौन हल करेगा? अब ये सीएम योगी साहब है, उनसे ज़्यादा उम्मीद है, चूँकि पिछले 5 साल तो कर नहीं पाए, कितनी शिकायत जी। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि कम से कम 2 साल के लिए कोरोना था, और इन सब चीज़ों को तत्काल कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन और सारे काम जिससे हुए उससे हम संतुष्ट बहुत ज़्यादा हैं, लगता है कि ज़रूर होगा। भाई आपके कुछ काम होंगे जिसकी वजह से मुझे उम्मीद बनती है, मुझे पर्सनल किसी से कोई नहीं लेना देना है, लेकिन और गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है। बस हर स्तर पर ये गवर्नमेंट अच्छी है, जैसे आप विदेश का मामला ले लीजिए, हर तरह से जहाँ भी देखेंगे हमें फ़ख्र हो रहा है कि हाँ हमें इस तरह की गवर्नमेंट मिली है। पहले जी पहले जाते थे हमारे क्या नाम अब्दुल्ला जी हैं, सलमा ये शाहरुख खान जी हैं, कहीं भी जाते थे चड्डी उतार कर इनका तलाशी लिया जाता था, आज वो चीज़ नहीं है। कोई भी जाता था हमें दुख होता था कि आप हमारे भाई हैं, आप गए, आपकी इस तरह से बेइज्जती की जाती है, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं हैं। हर जगह हमें सम्मान दिया जा रहा है, हमारे भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। पहले बिल्कुल नहीं था, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कई खुश रहा हूँ, कई आदमियों का नाम सुन चुका हूँ, पेपर में आए दिन पढ़ने को मिलता है, उमर अब्दुल्ला जी गए, सलमान खान साहब गए, इन सब का वहाँ पर उतार के चेक कीजिए, ये कोई बात नहीं होती, आप हमारे इंडियन हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिली। हम एक नमक रोटी खाएंगे चलेगा, लेकिन हमारी इज्जत होनी चाहिए पूरे विश्व में। इन सब चीज़ों में मोदी जी ने बहुत बेटर काम किया है। बस कहाँ से पता चलता है, सब अखबारों में? जी अखबारों में, मोबाइल पे। इस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, इस पर तमाम फर्जी न्यूज़ भी रहती है जी, तमाम फर्जी न्यूज़ अब कहीं रहती है, आए दिन उड़ा देते हैं, यहाँ पर ये मर्डर हो गया, पता लगेगा वो है म्यांमार का, लेकिन दिखा देंगे हमारे इंडिया में, हमारे भाईचारे को अक्सर तोड़ने की कोशिश की जाती है, जबकि हम यहाँ इतने भाईचारे तोड़ने की कोशिश कौन करता है? भाजपा बहुत आरोप लगता है। नहीं, इसमें नहीं कहूँगा, इसलिए कि क्रिया के बाद प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ नेता ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर कोई जानता है, अब उसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा, जरूरी नहीं है। कौन करता है? कहीं ना कहीं हमारे ही अपने कोई बीच के हैं, दूसरे नहीं हैं। भड़काऊ जैसे डाल दिया जाता है पोस्टर का, म्यांमार में लड़की के साथ ये हो गया वो हो गया, उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत दिक्कतें आ जाती है। योगी जी आ गए, अभी जो बसें जलाई जाती थी वो सब बंद हो गई। कहीं ना कहीं देश की संपत्ति है, आप कहीं भी यात्रा करते हो उसमें लिखा रहता है कि ये देश की संपत्ति है, आपकी भी संपत्ति है, हर चीज़ को रखवाली करने का हमारा भी दायित्व है। वो नुकसान होगी तो उसको बनाने के लिए फिर पैसे लग जाएंगे, वही पैसे बचेंगे हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, स्कूल लाइन जैसे है, टाइल्स लग गए हैं बच्चों के लिए, शायद गरीबों के बच्चे कभी टाइल्स पर बैठ नहीं पाते, लेकिन इस गवर्नमेंट की वजह से उनको महसूस हो रहा है कि हाँ हम आज बैठे, मुझे भी लगा, तमाम सारी चीज़ों में बहुत अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, सब कुछ सही है। बताया नहीं डिलीवरी होती थी, अभी आपको क्या बताया, हम लोग गरीब परिवार के हैं, 4,000 नहीं होते थे तो यानी कि औरतों को क्या किया जाए, कहाँ से डिलीवरी करा जाए, लेकिन आज उसी जिला अस्पताल में देखिए अच्छे अच्छे लोग जाके डिलीवरी करवाते हैं और चले जाते हैं, ये सारी सुविधाएँ ही नहीं थी वहाँ, जब पता लगता था अल्ट्रासाउंड होता था, गेट खुला होता था, शहर में शिकायत कर रहे थे गोंडा में कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो उनको ज्यादा दिक्कत होती तो सीधे लखनऊ भागना। सुनिए भैया, जिनके पास वो बड़े लोगों के उनको उनके पास पैसे है ना, तो उनको नहीं दिखाई पड़ेगी, हम लोग ग्रामीण को केवल
उस समय की यानी उपचार की हो सकता है, तो उपचार पहले उपचार ही नहीं मिलता था, इस समय उपचार मिल रहा है तो उनको दिखाई पड़ेगा क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो व्यापारी हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं तो उनको लखनऊ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र हैं, 4,000-6,000 हुआ तो हम सोच रहे हैं वही 2-4 हज़ार बच्चे अच्छे से काम हो जाए, परिवार सुरक्षित हो, जच्चा बच्चा सुरक्षित हो, इसीलिए ले जाते हैं। और अच्छे ढंग से यानी कि सारी चीज़ें यहाँ, चाहे यहाँ ब्लॉक देख लीजिए, चाहे गोंडा देख लीजिए, सारी चीज़ों में यानी कि जो हमें जमीनी मिलनी चाहिए, जो ग्रामीण पढ़े लिखे के मतलब नहीं है, जो जमीनी है वो सारी चीज़ें इस समय योगी जी के द्वारा मिल रही है। अच्छा, गांव में आप लोग जो है सब लोग आपस में मिलकर तय करके वोट देते हैं कि सब लोग अपने अपने हिसाब से देते हैं, अपने अपने हिसाब से हर कोई वोट देता है, क्या देख कर देते हैं, जाति देख कर देते हैं, यहाँ तमाम चीजें चलती हैं, जाति भी चलती है, पार्टियां चलती हैं, जिस तरह जिसका माइंड होता है उस तरह से वो वोट करता है। मुद्दे वोट नहीं करते, मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं, कुछ आदमी मुद्दों को लेकर चलते हैं, बाकी मुद्दे तमाम सारे पीछे छूट जाते हैं। चलता क्या सबसे ज्यादा क्या चलता है अब इसमें, यहाँ पर चलता है एक तो भाजपा के खिलाफ वाला, फिर ये मेरी जात वाला है, कोई किसी भी कास्ट का ले लीजिए, हर कास्ट में ये चीज़ है। जैसे कोई ब्राह्मण आ गया तो तमाम ब्राह्मण कहते नहीं मेरे कास्ट वाला है, कोई अदर कास्ट वाला आ गया तो उस ये इस टाइप से चलता है, मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती है। अब ये हम सबके विचारधारा की बात है, उसमें नहीं बदलाव हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, जबकि हमारे गांव में ऐसा कोई मतलब मामला नहीं है, हर कोई मिलजुल कर रहता है। लेकिन इन सब मामलों पर हम लोग कई बरसों से बटे चले आ रहे हैं, कोई किधर है कोई किधर है, किसी को किसी की बात अच्छी लगती है, किसी को किसी की अच्छी लगती है। तो गोंडा में हैं और गांव आए हुए थे, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देखकर वोट देते हैं, क्या मुद्दे हैं गांव में। राशन की बड़ी चर्चा हो रही है, जो राशन भत्ता कोविड के टाइम में उसकी चर्चा हमको इस गांव में भी दिखी, और गांव में जाएंगे देखेंगे क्या मुद्दे वहां पर हावी हैं। दिखते रहिए है, लल्लन पाओ।